जामनगर नाम के गांव में चौहान नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी गोमती। चौहान एक ठेले में कुल्फी बनाकर बेचता था। उस इलाके के लोगों का कहना था कि चौहान के बनाए हुए छोटे छोटे मटके वाले कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चौहान बहुत नेक इंसान था। जो कमाता था उसी में वो खुश था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। वो जब देखो अपने पति से गहने या कोई और चीज मांगती रहती थी। चौहान, अरे भगवान, ये तो खुद अपना घर है, अब एक और जमीन का टुकड़ा खरीदने की क्या जरूरत है। हमारे घर में आराम की सब चीजें तो हैं, फिर और किसी चीज की क्या जरूरत। तब गोमती, हाँ हाँ बहुत सारी चीजें हैं, जरा बताओ तो क्या है। क्या अपने घर में स्विमिंग पूल है? क्या अपने पास अटैच बाथरूम है? एकदम बढ़िया व्यू वाला बालकनी है अपने घर में? हाँ, जब भी मैं कोई चीज मांगती हूँ तो बहाने बनाते रहते हो। यूँ ताने मारते रहती थी। एक दिन गोमती का भाई आशीष उनके गाँव पहुँचा। उसे देखकर चौहान परेशान हो गया। वो पूछने लगा, अरे भैया, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जब देखो कोई ना कोई उल्टा सीधा हरकत करते हो और जेल चले जाते हो। अब क्या तुम सीधा जेल से यहीं पहुँच गए? अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम कभी नहीं सुधरोगे। तब गोमती, अपने घर आए मेहमान से कोई इस तरह बात करता है? मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये तो उसके खिलाफ सब झूठे केस लगाते रहता है, अब इसमें ये क्या करेगा बेचारा। तब आशीष, अरे कहने दो ना दीदी, अब जीजा जी नहीं तो कोई और मेरे से ऐसे थोड़ी बात करेगा। जीजा जी, जो हुआ सो हुआ, मैं आपके पास काम सीखने आया हूँ। आप मुझे कुल्फी बनाना सिखाइए, अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा जीजा जी, मैं वादा करता हूँ, आप मुझ पर यकीन करिए जीजा जी। कहकर अपने जीजा जी के पैर पड़ने लगा। तब चौहान, अरे अरे आशीष, ये क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो ना कि तुम बदल गए हो, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आओ आओ घर के अंदर आओ, कहकर घर के अंदर बुलाया। उस दिन से चौहान आशीष को कुल्फी कैसे बनाते हैं ये सिखाने लगा। जब आशीष ने अच्छी तरह सीख लिया तब चौहान ने उसे ठेला दिया और कुल्फी बेचने को कहा। एक दिन जब चौहान ठेले के पास आया तो उसने देखा कि लोग कुल्फी के लिए लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को धक्का देते हुए। भैया पहले मुझे कुल्फी दो, भैया पहले मुझे कुल्फी दो, भैया मुझे कुल्फी दो पहले, यूँ लड़ रहे थे। चौहान अपने आप से, अरे वाह, अपने ठेले के पास एक साथ इतने सारे लोग मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। लगता है जब से आशीष आया अपना वक्त बदल गया, धंधा खूब चलने लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यूँ उसने सोचा। एक दिन गोमती, सुनो जी, मेरा भाई कह रहा था कि वो खुद का अपना ठेला लगाएगा कुल्फी का, कह रहा था कि कोई और घर ले लेगा और बहुत जल्द शादी भी कर लेगा, थोड़े पैसे देकर उसकी मदद करो ना। चौहान खुश होकर, भाई आशीष, तुम में ये बदलाव देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया, ये लो पैसे और इसी गांव में किसी और जगह ठेला लगाओ कुल्फी का, अगर हम दोनों ने एक ही जगह लगाया तो दोनों का नुकसान है, कहकर उसे पैसे दिए। इस तरह उसी गांव में एक और जगह आशीष ने घर किराए पर लिया और वहीं उसने कुल्फी का ठेला भी लगाया। जब से आशीष ने ठेला लगाया तब से चौहान के ठेले के पास एक भी व्यक्ति कुल्फी खाने नहीं आया। चौहान, ये क्या, अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया? भाई अब तक तो मैं काफी कुल्फी बेच चुका होता, चलो देखें तो सही कि कम से कम आशीष के पास तो लोग जा रहे हैं कि नहीं, ये सोचकर वो वहां से चला। जब वो आशीष के ठेले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां काफी भीड़ लगी हुई है। जो ग्राहक हर रोज चौहान के ठेले के पास आते वो भी आशीष के ठेले के पास आकर कुल्फी खाने लगे। चौहान के समझ में कुछ नहीं आया, वो बस देखता रह गया। तभी चौहान ने देखा कि कुल्फी खाने वाले कुछ लोग लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। चौहान, ये क्या, ये सब लड़खड़ाते हुए क्यों जा रहे हैं? लगता है आशीष कुल्फी में कुछ मिला रहा है, अब पता लगाना होगा कि वो क्या है, यूं उसने सोचा। बाद में वो जब आशीष के घर गया और खिड़की से झांकने लगा तो उसने देखा कि गोमती और आशीष दोनों कुल्फी में नशीली दवाइयां मिला रहे थे। आशीष अपनी दीदी से, दीदी भाई तुमने मुझे गांव से बुलवाया और कुल्फी सीखने के लिए कहा, जीजा जी ने मुझे कुल्फी बनाना सिखाया और तुमने उनके नजर बचाकर कुल्फी में नशीली दवाइयां मिलाकर लोगों को नशीली दवाइयों की आदत डाली, फिर बाद में मुझे कुल्फी का ठेला अलग लगाने को कहा। बेचारे जीजा जी, ये सब वो कुछ नहीं जानते, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है दीदी, अब दीदी देखती जाओ, मैं धीरे धीरे कुल्फी का दाम बढ़ाऊंगा
और खूब पैसे कमाऊंगा। तब गोमती, और क्या करूं भैया, वो बस ईमानदारी नेकी का बातें करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, इसीलिए मैंने ऐसा प्लान किया। ये सुनकर चौहान दंग रह गया। अगले दिन पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार किया और चौहान के घर ले आए। ऐसे ही, देखो मैडम, कल तुम्हारे पति ने तुम दोनों के इस गलत धंधे के बारे में हमसे शिकायत की। इन्होंने कहा, पत्नी है तो क्या हुआ, गलत काम किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनके इस ईमानदारी पर हमें गर्व भी हुआ और हैरानी भी। तुम्हारा पति इतना अच्छा आदमी है, फिर भी तुम पैसे के लालच में पड़ी हो। तुम औरत हो, इसीलिए तुम पर तरस खाकर इस केस में से तुम्हारा नाम हटा देते हैं। हम सिर्फ इसे पकड़ कर ले जाते हैं। कम से कम अब तो सुधर जाओ और ईमानदारी की जिंदगी बसर करो, कहकर वहाँ से चले गए। बाद में गोमती ने चौहान के पैर छुए और माफ करने को कहा। चौहान ने उसे पास बुलाया और उसे माफ किया। एक अमीर करोड़पति था, नाम था महेश अंगानी। उसके कई प्रकार के व्यापार हुआ करते थे। उसका कोई कारोबार नहीं है ऐसा हुआ ही नहीं था। पूरे देश में सबसे अमीर लोगों में से एक वो था। उसके बेटे का नाम था आकाश अंगानी। वो पिता के व्यापार में मदद करता था। अंगानी को जानवरों से बहुत लगाव था। घर पर वो जो पालता था, वो कुत्ते, बिल्ली, पक्षी सब अच्छे से आजादी से वहीं घूमते थे। वो देखकर आकाश अंगानी खुश होता तो महेश अंगानी को गुस्सा आता था। घर पर सब डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे तो बिल्ली सबके प्लेट से खाती थी। पक्षी भी बर्तन से ही खा लेते थे। मंगेश, छिची ये क्या है बेटा, ठीक से खाना भी खाने नहीं देते। ऐ छिची जाओ वहाँ, यूं बिल्ली से चिढ़कर कहता तो पत्नी, हाँ जी ये ठीक से सोने भी नहीं देते। सोते वक्त कुत्ते पास आकर वहीं सो जाते हैं। सिर्फ सो रहे हैं सोचकर चुप रहे तो वहीं बगल में सुसु भी कर लेते हैं। ए छिछी कहकर पक्षी को दूर हटाई। आकाश, डैडी मम्मी उन्हें मत डांटो, बेचारे बेजुबान जानवर है ये। आज और जानवर पक्षी ऑर्डर किया हूँ, वो भी आज से हमारे घर में ही रहने वाले हैं। यूं कहा तो मंगेश, बेटा इन्हें बर्दाश्त करने हमारे बस में नहीं है, तुम चाहो तो इनके साथ रहो। यूं कहा आकाश, अरे ऐसे मत करो, आप लोग नहीं रहे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा। ठीक है आपको तकलीफ नहीं हो वैसे इन्हें ले जाकर कहीं रखता हूँ। डैडी जू परमिशन के लिए सरकार को एक एप्लीकेशन भेजिए। यूं कहा मंगेश, जू इनके लिए जू परमिशन की क्या जरूरत है बेटा, मांसाहारी जानवरों के लिए जू परमिशन चाहिए, इन्हें बस फार्म हाउस पे रख दो बस काफी है। यूं कहा तो आकाश, हाँ डैडी मैं वहाँ मांसाहारी जानवर भी रखने वाला हूँ, उनके लिए एक जंगल खरीद रहा हूँ। उन्हें जू की तरह पिंजरे में नहीं रखेंगे, वे आराम से आजादी से वहाँ घूम सकते हैं और हम ही फेंस में रखकर देख सके वैसे इंतजाम करूँगा, ये मेरा निर्णय है। बस मुझे कुछ मत कहो बस। यूं कहा तो माँ, बेटा मेरी बात तो सुनो। यूं कह रही थी तो आकाश, माँ तुम रुको ना, फाइनल हो गया ना। हाँ एक और बात डैडी, मेरी शादी कहाँ करना है सोच रहे थे ना, मेरी शादी वही फॉरेस्ट जू में ही करते हैं। मेरी शादी में जो अतिथि आएंगे वे हमारे जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए। यूं कहा, वो सुनकर माता पिता सर पकड़ लिए। इस तरह आकाश एक जंगल को खरीदा। वहाँ एक बड़ा सा लोहे का फेंस का इंतजाम किया गया था। उसमें आकाश खड़े होकर देख रहा था तो फेंस के दूसरे तरफ जानवर आजादी से घूम रहे थे। शादी के दिन शादी वहीं हुई। शादी में आने वाले लोग फेंसिंग के अंदर रहकर डीजे लगाकर डांस करके मजे कर रहे थे। शादी में आने वाले लोगों को आकाश महेशी ध्यान रख रहे थे। वो डीजे के आवाज से सारे जानवरों को तकलीफ होने लगी। उन्हें गुस्सा आया और फेंसिंग पर हमला किए।
फेंसिंग टूट गया तो सारे जानवर अंदर आ गए। वो लोगों पर हमला करने लगे तो सब अरे बाप रे बाप यूं पुकारते हुए वहां से भाग निकले।